नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल पर। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को आपको पसंद आया है और इसमें जो जानकारी दी गई, जो जो चीज़ आपको पढ़ाई और समझाई गई वो आपको पसंद आई हुई हो, तो उस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चाहे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ सहपाठी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे बढ़ने में मदद मिले। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आज जो चैप्टर है वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज ह्यूमन ब्लड के, क्योंकि देखिए पूरा एनिमल फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है। तो बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स पाए जाते हैं, उसमें जो जो एनसीईआरटी के सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द बुक जो सबसे पहला टॉपिक है वो ब्लड, उसके बारे में बात करेंगे, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, सबके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड का हमारे बॉडी में रोल क्या है। देखिए जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी के अंदर ये मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा हो सकता है कि जितनी भी बॉडी में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो चीज़ें बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही हैं अगर वो वेस्टफुल हैं, हार्मफुल है, तो बॉडी से बाहर निकालने का उनका प्रोसेस क्या है, या जो चीज़ बॉडी के बाहर है और वो बॉडी के अंदर, जैसे ऑक्सीजन बॉडी के बाहर है या कोई चीज़ बॉडी से अंदर उसको एब्जॉर्ब करनी है, तो उसका प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस। जो जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक सिंपल प्रोसेस पाया जाता है, जैसे रेस्पिरेशन, अभी हमने पीछे चैप्टर पढ़ा, क्योंकि बात हम सिर्फ ह्यूमन रेस्पिरेशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए देखो, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो जितना सिंपल सा उनका स्ट्रक्चर होता है, उतने ही सिंपल उनके डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उतने ही सिंपल पाए जाते हैं। सिंपल डिफ्यूजन का मेथड होता है कि अगर उनको रेस्पिरेशन करना है तो बॉडी सरफेस के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। हमारे मैमल्स को क्या है, मैमल्स की बात करते हैं तो हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है। हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और उनका मैकेनिज्म भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो उस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक के बाद एक जो टॉपिक्स हैं इस टॉपिक में कवर करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है ब्लड। ब्लड देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड का फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि जो गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 मेन है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। मेरा वीडियो ऑलरेडी इस पर अपलोडेड है, रेस्पिरेशन पर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोज़ बनाए, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर उसको देख सकते हैं। वो किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से। बॉडी में कोई एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करेगा, ब्लड के माध्यम से। बॉडी में कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे एक जगह से ट्रैवल करेगा दूसरी जगह, तो ब्लड के माध्यम से। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर, खासकर मैमल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैमल्स की बात करेंगे, और मैमल्स में भी ह्यूमन बींग के सिस्टम्स की बात करें, तो वो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड को अगर पूछा ना कि ब्लड को आप डिफाइन कीजिए एक लाइन में, तो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशल तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं ब्लड का एक्चुअली कंपोजिशन है क्या। अगर ह्यूमन ब्लड की बात करें तो ह्यूमन ब्लड का कंपोजिशन है क्या, तो मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एक पॉइंट्स को अलग अलग लिखने में बहुत समय लगेगा, तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना दूंगा, चार्ट से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करते हैं ब्लड की, ह्यूमन ब्लड। इसके दो मेन कंपोनेंट हैं, पहला होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड एलिमेंट्स। ब्लड प्लाज्मा दूसरा है ब्लड के एलिमेंट्स। या इनको अकॉर्डिंग टू द बुक इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर इनके परसेंटेज की बात करें, ब्लड में दो चीजें मुख्य हैं, एक तो ब्लड प्लाज्मा है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या मैंने कि ब्लड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। तो ब्लड में बात करें तो अराउंड 55% जो हमारा टोटल ब्लड है उसका 55% ब्लड प्लाज्मा है। इसको परसेंटेज कितना है, 55% ब्लड प्लाज्मा है, और कितना बचा, 45% में ब्लड के सारे एलिमेंट्स आते हैं।
किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने से के लिए मैं आपको ऑलरेडी पहले बता देता हूँ, जब हम ब्लड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्लड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, जिसमें मुख्यतः आरबीसी जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और ब्लड की प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो 55% ब्लड प्लाज्मा है और 45% ब्लड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स है। अब बात करते हैं पहले ब्लड प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा एक थिक येलोइश लिक्विड मैट्रिक्स है जो ब्लड में पाया जाता है। अब थिक येलोइश विस्कस, विस्कस मतलब चिपचिपा गाढ़ा लिक्विड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, मैट्रिक्स का मतलब है मीडियम, मैट्रिक्स का मतलब है माध्यम। तो एक थिक येलोइश कलर का विस्कस थोड़ा सा चिपचिपा गाढ़ा और ये लिक्विड मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे फॉर्म एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन की बात करते हैं, ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा में जो सबसे मेन एलिमेंट है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो होता है वाटर। तो हम यहाँ पर एरो लगा के सबसे पहले क्या है, वाटर। ब्लड प्लाज्मा में कितना वाटर पाया जाता है, ऑलमोस्ट 90%, यानी कि जितना ब्लड प्लाज्मा है उसका 90% उसमें वाटर पाया जाता है। वाटर कितना है, 90%। उसके बाद उसमें पाई जाती है ब्लड प्रोटीन्स, क्या पाई जाती है, ब्लड की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स का जो परसेंटेज है वो लगभग 6-8% है। कितना है, 6-8%। अब मैं पूछूं, आप देखिए बहुत, आपने हो सकता है टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो या पढ़ लिया हो, तो केवल रिवीजन के पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझिए कि ब्लड प्रोटीन लगभग कितनी पाई जाती है, 6-8% ब्लड प्रोटीन पाई जाती है। देखिए हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम है, आपने अभी पढ़ा होगा, जैसे कोरोना भी चल रहा है तो कोरोना से बचाव के लिए जो भी वैक्सीन आई है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन बेसिकली क्या करती है, वैक्सीन जब बॉडी के अंदर एंटर करती है, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस। तो वो एंटीबॉडीज बेसिकली क्या है, वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है, और सारी एंटीबॉडीज प्रोटीन ही होती है। सारी एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन होती है। ऑलराइट, तो ब्लड प्रोटीन्स कितनी है, 6-8%। इनका फर्दर मैं आपको ब्रेकअप बता देता हूं, जो मेन प्रोटीन्स है वो कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, और प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है वो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ऑलराइट, और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो हमारा हेल्प करती है डिफेंस मैकेनिज्म में, जो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उनमें जो मेन मुख्यतः प्रोटीन पाई जाती है वो होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। और एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो फ्लूइड्स के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको रेगुलेट करती है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो 90% वाटर है, 6-8% ब्लड की प्रोटीन्स है, जिसमें चार मेन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों लास्ट की जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और ग्लोबुलिन क्या है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इम्यून सिस्टम, और ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसमें पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कहाँ जहाँ पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में मिक्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बहुत सारे हैं, जो मेन मेन है इसमें क्लोराइड आयन है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में मिक्स पाए जाते हैं। आगे का मैं इधर लिख देता हूँ,
ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। देखिए आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा, प्रोटीन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ग्लूकोज। ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से मेन है? दो ले लेते हैं मेन, एक तो होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स। ऑलराइट, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया? वाटर 90%, 6-8% ब्लड प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सारे के सारे होते हैं। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में क्या होते हैं? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए बॉडी में जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो इसमें बात नेक्स्ट क्या हो गया? हार्मोन्स। नाम लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हैं, इसके ऊपर एक पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, उसके बारे में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब उसके बारे में बात करूंगा। बॉडी में जितने भी एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, वो सारे के सारे एंजाइम किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? सारे के सारे एंजाइम ब्लड प्लाज्मा के थ्रू एक जगह से अपने जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वहां से टारगेट ऑर्गन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्या पाया जाता है इसमें? गैसेस। अभी हमने पीछे वाला जो चैप्टर है इससे पहले का रेस्पिरेशन उसमें पढ़ा था गैसेस, डिसॉल्वड गैसेस। डिसॉल्वड गैसेस में कौन सी गैसेस हैं मुख्यतः? ऑक्सीजन और CO2। इसके अलावा जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे डाइजेशन में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है या और भी जो वेस्ट हमारा मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑलराइट। और इसके अलावा बॉडी में हमारी जो एंटीबॉडीज बनती हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन होती हैं, वो बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कैसे करती हैं? दे ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें पाए जाते हैं? ब्लड प्लाज्मा में। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको ये जो डायग्राम आपकी बुक में नहीं दिया गया है तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा मैंने बोला कि ब्लड के एलिमेंट्स, यानी कि ब्लड एलिमेंट्स। ब्लड एलिमेंट्स में, ब्लड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट है, चलिए इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारी एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड का जो मात्रा है वो कितनी होती है? एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में लगभग 5-6 लीटर ब्लड, 5-6 लीटर ब्लड पाया जाता है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5-6 लीटर ब्लड पाया जा सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग में अराउंड 5-6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब बात करते हैं ब्लड एलिमेंट्स की। इसमें ब्लड एलिमेंट्स में तीन ही मेन है, पहला है RBC जिनको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। दूसरे हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स। ये ब्लड जो एलिमेंट्स है, फॉर्म एलिमेंट्स है, उनमें तीन मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स। RBC का एक दूसरा बायोलॉजिकल नाम है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में जितने भी वर्ड्स है वो या तो लैटिन भाषा में है या फिर वो ग्रीक भाषा में है। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड, तो इसलिए इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स,
ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, यानी कि जो ये सेल्स है कलरलेस है, कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक कलर, ये हमें व्हाइट अपीयर होती है। और प्लेटलेट्स का कोई ऐसे अलग से अभी उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। तो आरबीसी कहिए रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहिए, एरिथ्रोसाइट्स कहिए, रेड ब्लड सेल्स कहिए, एक ही बात है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स कहिए, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहिए या फिर ल्यूकोसाइट्स कहिए, एक ही बात है। अब बात करते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन बींग में आप अगर देखें किसी की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पढ़ें और इसमें खासकर ब्लड सेल्स के बारे में उसमें जानकारी दी, आपने पढ़ा होगा कि आरबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, प्लेटलेट्स काउंट कितना है। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, कुछ ऐसे उसको ऐसा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जैसे मान लीजिए जॉन्डिस है या अभी डेंगू चल रहा था, उसमें क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स बहुत तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है ये सब बाद में बात करेंगे। तो अगर हमने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो इसमें सारे टर्म्स आपने पढ़े होंगे और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में इनकी जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। तो बात करते हैं, अब देखिए ह्यूमन बीइंग में बात करेंगे मेल और फीमेल की अलग अलग, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी प्लेटलेट्स की संख्या मेल और फीमेल में थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करें एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट मैन में, जिसको सिंपल है ये, इसमें आरबीसी की जो संख्या रेड ब्लड सेल्स कितनी होती है, 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। एक क्यूबिक एमएम में, एक क्यूब समझते ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 1 × 1 × 1 mm, 1 × 1 × 1 mm, इतने ब्लड में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसी की संख्या है 5 से लेकर 5.5 मिलियन, मिलियन में कंफ्यूज नहीं होना, 1 million = 10 lakh, कितना होता है 10 लाख। लाख की स्पेलिंग पहले एल एस सी थी, अब एल एस के एच को भी मान्यता मिल चुकी है। एल ए के एच अगर आप लिखते लाख, लाख देखिए हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द नहीं है, तो एल ए के एच इसकी प्रॉपर और बिल्कुल सही इंग्लिश है जो कि सभी जगह मान्य है। तो 1 million कितना होता है 10 लाख। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मिलियन 1 लाख होता है, 1 million = 10 lakh, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो एक एडल्ट मैन में कितनी थी, 5 से लेकर 5.5 lakh। और वुमेन की बात करें, एक एडल्ट हेल्दी वुमेन में ये होती 4.5 से 5 million पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, बच्चों में थोड़ी कम होती है। और बात करें डब्ल्यूबीसी की, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती 8 से लेकर 10 हजार पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। इसका जो मेजरमेंट है क्यूबिक एमएम होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, 5 से लेकर 10 हजार। और जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो लगभग मिनिमम 1.5 लाख होनी चाहिए, कम से कम डेढ़, एक एडल्ट ह्यूमन में मिनिमम 1.5 लाख होनी चाहिए, 1.5 लाख से लेकर 3.5 या 4 लाख तक। प्लेटलेट्स की कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। मेजरमेंट किसमें होगा, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। अब बात करते हैं, देखिए ये देखिए सेल्स हैं, सेल का एक नॉर्मल प्रोसेस है कि इनकी लाइफ कितनी होती है, कोई भी सेल परमानेंट नहीं होती है, सेल जो है परमानेंट लाइफ इनकी नहीं होती कि जब वो सेल जब से वो प्रोड्यूस हुई और वो जब तक आप जीवित हैं तब तक वो सेल्स बनी रहेंगी। सेल्स ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं और वो डिस्ट्रॉय भी होती है समय के साथ। तो जितनी भी ये सेल्स हैं, जितनी भी ये सेल्स हैं, सबका एक लाइफ टाइम है कि कौन सेल कितने समय तक रहती है, कौन सी सेल्स कितने समय तक रहती हैं। तो आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो होता है लगभग 120 दिन यानी कि 4 महीने। अगर लाइफ स्पैन की बात करें यानी कि बनने से लेकर और जब तक वो रहती डिस्ट्रॉय होने तक उनका लाइफ स्पैन कितना है, तो आरबीसी जो है
लगभग 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है, कितना 120 दिन यानी कि 4 महीने, यानी कि हर 4 महीने बाद ये पुरानी आरबीसी नष्ट हो जाती है और ये नई बनते रहते हैं, और ये कंटिन्यूएशन में ये प्रोसेस चलता है। ऑलराइट, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ब्लड बनना बंद हो गया या रुक गया, ऐसा नहीं होता है। 120 डेज में ये रिप्लेस ऑटोमेटिकली अपने आप होती रहती है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी इच्छा के अनुसार ब्लड डोनेट भी करते हैं, और जो हमारे मन में या हमारे समाज में ये क्या कहते हैं, एक अंधविश्वास है या ये कहें कि शिक्षा का अभाव है लोगों के अंदर, ये गलतफहमी है कि ब्लड डोनेट करने से वीकनेस आ जाती, कमजोरी आ जाती, कुछ समय के लिए आती है, हमेशा के लिए नहीं रहती है। थोड़ा सा आपको ब्लड डोनेट के बाद लगेगा हाँ थोड़ा सा कमजोरी आ रही है, लेकिन वो उतना, आपने अगर किसी को 100 ml ब्लड दिया है तो वो 2-3 महीने में 3 महीने में उतना ब्लड रिप्लेस हो जाता है। तो ब्लड डोनेट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आप अगर चाहें तो 4-5 महीने में साल में 2 बार कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का कितना है, 7 डेज के आसपास, मतलब विद इन अ वीक, एक वीक से थोड़ा कम ही होता है। तो ये बात हो गई लाइफ स्पैन की, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात हो गई, काउंट कितना है ये बात हो गई, ब्लड प्लाज्मा की बात हो गई, ब्लड एलिमेंट्स की बात हो गई। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम डिटेल बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर 18 एनसीईआरटी का, बायोलॉजी क्लास 11 का जो चैप्टर है उसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें हमने लिव कवर कर लिया था। अब दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि ब्लड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं। हमने बात की थी कि ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें 55% प्लाज्मा है, बाकी 45% में फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड के अंदर पाई जाने वाली सेल्स होती हैं, और उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दिया था कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं यानी ब्लड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो 3 एलिमेंट्स हैं वो हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, बायोलॉजी में इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूको का मतलब व्हाइट कलरलेस, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। इरिथ्रोसाइट्स के बारे में सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इनका नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेल में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, मेल में कितनी होती है 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, फीमेल में 4.5 से 5 क्यूबिक मिलियन ऑफ ब्लड। अब थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संख्या के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखिए जो आरबीसी है उसका जो दे अपीयर रेड इन कलर, ब्लड का जो रेड कलर है, ब्लड जो हमें रेड अपीयर होता है, शाइनिंग रेड हमें अपीयर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ आरबीसी। और आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ये जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इट इज बेसिकली ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बेसिकली वो प्रोटीन होती है जिसमें जो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो इसमें जो ही पार्ट है ये एक आयरन पिगमेंट है, ही इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये एक आयरन पिगमेंट है, और जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है, इसीलिए इसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीम एक आयरन पिगमेंट है, एक आयरन की रिंग होती है, सेंटर में एक आयरन की रिंग होती है, इसका स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसकी अगर अमाउंट की बात करें कि एक एडल्ट ह्यूमन, एक स्वस्थ एडल्ट ह्यूमन बींग में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो अगर हम मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, मेल की बात करें तो 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा इससे कम होती है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी में आप एनीमिक में आ, यानी कि आप में ब्लड की कमी है, और कई बार ब्लड
हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स कई तरीके की प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां भी देते हैं, और एक्सेसिव अगर बहुत ही ज्यादा कमी है तो कभी कभी ब्लड चढ़ाने तक की नौबत आ जाती है। तो मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा हमेशा ज्यादा रहती है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन एंड CO2, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन फीमेल में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है, 10 to 14 mmHg mmg, और उसको किसमें मापते हैं, पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये तो बात हो गई आरबीसी की, संख्या के बारे में बात कर चुके हैं आरबीसी। अब उसके हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कितनी मात्रा होती है स्वस्थ एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, और एक हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है तो स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। मेन फंक्शन हीमोग्लोबिन का क्या है, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड CO2, हम ऑलरेडी बात इसके बारे में कर चुके हैं। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है। देखिए, जो ह्यूमन आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसी की जो स्पेशलिटी, जो खासियत है वो ये है कि देखिए, वैसे तो नॉर्मली सभी सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, विच इज द कमांड सेंटर ऑफ ईच एंड एवरी सेल। हर सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस उस सेल का कमांड सेंटर होता है। लेकिन ह्यूमन आरबीसी की एक खासियत है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ह्यूमन आरबीसी में देयर इज नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, इसमें सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये इसकी खास चीज है। दूसरा, सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वो सब चीजें भी इसमें नहीं पाई जाती, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये एक नॉर्मल मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। अगर आरबीसी, सिंगल आरबीसी का स्ट्रक्चर देखें, इट इज एक्चुअली बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर। कैसा है, बाई, थोड़ा सा कॉन्केव स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कॉनकेव स्ट्रक्चर है। अगर सिंगल आप आरबीसी को देखेंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बाई कॉनकेव। ध्यान रखने वाली बात ये है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सारे और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, साइटोप्लाज्म उसमें पाया जाता है, और मेन इसका कंपोनेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। ये एक सिंगल आरबीसी का लेटरल व्यू है, अगर लेटरल साइड से देखा जाए तो ये बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये बाई कॉनकेव, ये ध्यान रखना है, नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड है, बाई कॉनकेव है, और तीसरी चीज क्या है इसमें, और बाकी जो इतने सेल ऑर्गेनेल्स के मैंने नाम लिए वो भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। और इसका अगर कलर की बात करें, अगर सिंगल आरबीसी है तो वो येलोइश कलर का दिखाई पड़ता है, सिंगल आरबीसी अगर माइक्रोस्कोप में देखा है, इट अपीयर्स येलोइश इन कलर, लेकिन आप कहेंगे ब्लड तो हमें रेड दिखाई पड़ता है। जब सारे आरबीसी, आरबीसी को ग्रुप में देखा जाए, समूह में देखा जाए, तो दे अपीयर रेड इन कलर। अच्छा, होते कैसे हैं ये, होते अगर इनको माइक्रोस्कोप में दिखाया जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे एक आप सिक्के के ऊपर सिक्के रखते चले जाइए, एक ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिक्के स्टैक करते चले जाइए, तो ब्लड कैपिलरीज में ये इस तरह से अपीयर होती हैं, जैसे ये आरबीसी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक कैपिलरी में जैसे सिक्के एक के ऊपर एक आप स्टैक करते चले जाते हैं, वैसे ही अपीयर होती है। तो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताया, तो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है सिंगल अगर देखें, दूसरा नॉन न्यूक्लिएटेड है, तीसरा येलोइश कलर है सिंगल का, अगर आपको उनको ग्रुप में देखेंगे दे विल अपीयर रेड इन कलर, और कैसे हैं, स्टैक्ड है लाइक पॉइंट्स। स्ट्रक्चर आप सिंपल से ऐसा बना सकते हैं, न्यूक्लियस दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया, तो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया। तो अगर केवल आरबीसी के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आए तो इतना सारा मैंने आपके सारे पॉइंट्स बना लिए, आप इनके सेंटेंस बनाकर आराम से एक पेज इसके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 या 3 अगर नंबर में आता है तो बड़े आराम से आप उसको लिख सकते हैं। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने ये आपको एक चार्ट यहां पर ऑलरेडी बना के रखा है। तो हमने आरबीसी की बात कर ली, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स की बात कर ली, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। नंबर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, अप टू 8,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, इनकी संख्या क्या है, अप टू 8,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड।
अब आरबीसी के अगर टाइप्स की बात करें, आप इस तरह इस साइड में देखिए, मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। आरबीसी को हमने दो ग्रुप्स में बांटा है, डब्ल्यूबीसी को हमने दो ग्रुप्स में बांटा है, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरे अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युल्स का मतलब जिन सेल्स में ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, जिनमें नहीं पाए जाते वो अग्रेन्युलोसाइट्स का ग्रुप है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की। जो आरबीसी का ग्रेन्युलोसाइट ग्रुप है उसमें उनको उनमें बेसिकली तीन तरीके के सेल्स पाई जाती हैं। पहला इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनका जो नाम का क्लासिफिकेशन का आधार है कि तीन अलग अलग ग्रुप में क्यों रखा गया। देखो इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडोफिल्स। जो डब्ल्यूबीसी एसिडिक डाई के साथ कंपेटेबल है, जो डब्ल्यूबीसी एसिडिक डाइज के साथ कंपेटेबल हैं वो एसिडोफिल्स हैं, जो बेसिक डाई के साथ कंपेटेबल हैं वो बेसोफिल्स हैं, और जो दोनों डाई के साथ न्यूट्रल रहते हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं। इनका क्लासिफिकेशन का आधार यही है। इओसिनोफिल्स एसिडिक डाई और डाई का नाम है इओसिन। इओसिन एक रेड कलर का डाई होता है। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसके बारे में आप और जानेंगे और समझेंगे। बेसोफिल्स बेसिक डाई को से कंपेट के साथ कंपेटेबल है, न्यूट्रोफिल दोनों में से किसी डाई के दोनों के साथ डाई के साथ न्यूट्रल रहता है, इसी आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया। अच्छा इओसिनोफिल्स क्या है? इनके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तीनों के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये मैंने बनाया है, इसके डायग्राम को समझ लीजिए। इओसिनोफिल्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उसमें देखा जाए ये एक सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म सारा, और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो न्यूक्लियस है उसकी खासियत ये है, इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? बाइलोब्ड है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर बन गया इओसिनोफिल्स का। कितना आसान है, आप बाकी चीजें सारी दिखा सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये बाकी साइटोप्लाज्म बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है। अब इनका फंक्शन क्या है? आपने कई बार सुना होगा किसी एक डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर क्या कहें, डिजीज है, उसको बोलते हैं इसिनोफिलिया हो गया, इओसिनोफिलिया हो गया। इसिनोफिलिया क्या होता है? बेसिकली ये जैसे बॉडी में जब इन्फेक्शन हो जाता है किसी तरह की, एलर्जिक रिएक्शन होने लगती है, एलर्जी होने लगती है, तो इओसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ने लगती है। बॉडी में जब एलर्जी होने लगती है तो इस एलर्जी बढ़ने के साथ साथ इनकी मात्रा, इनकी संख्या जो है बढ़ने लगती है। तो इनका जो मेन फंक्शन क्या है, वो मेन फंक्शन है एलर्जिक रिएक्शंस में। किसमें? बॉडी में कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स पहुंचने की वजह से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या किसी कोई और फॉरेन मटेरियल जिसको हमारी बॉडी रिकग्नाइज नहीं करती है, उनकी वजह से जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होने लगती है, उस एलर्जी बढ़ने के साथ साथ कभी आप देखते होंगे, फील करते होंगे इस चीज को कि मुझे किसी चीज से एलर्जी हो रही है, तो उस टाइम पर इओसिनोफिल्स जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो मैंने आपको इओसिनोफिल्स के बारे में बताया, इसको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। कौन सी डाई को लेते हैं? इओसिन डाई को। ये कंपेटेबल है। स्ट्रक्चर कैसा है? एक सेल है, न्यूक्लियस कैसा बाइलोब्ड है, और इनका मेन जो फंक्शन क्या है, एलर्जिक रिएक्शन में ये इनकी संख्या बढ़ जाती है। दूसरे बात करते हैं बेसोफिल्स की। ये तो क्या हो गया? इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स मैं आपको डायग्राम यही बना देता हूं ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकें। ये हम सेल बनाएंगे, सेल है, सेल के ऑर्गेनलीज है, वो सेल ऑर्गेनलीज बनाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समय बचाने के लिए आप उसको फटाफट इस तरीके से एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके का है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, थोड़ा सा एस शेप्ड है, थोड़ा सा एस शेप्ड है। मैंने एग्जैक्टली एस शेप नहीं बनाया, ये एस शेप्ड है, और क्योंकि चूंकि इसमें ग्रैनुल्स पाए जाते हैं तो आप इनमें ग्रैनुल्स दिखा सकते हैं, तो ग्रैनुल्स बोल सकते हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस है, कुछ ग्रैनुलर टाइप स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो आप इसमें यहाँ पर दिखा सकते हैं, बड़ा बड़ा मैंने नहीं दिखाया, आप दिखा सकते हैं। ये ग्रैनुल्स हो गए,
साइटोप्लाज्म हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गए, सेल स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस कैसा है, थोड़ा सा एस शेप न्यूक्लियस है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गए बेसोफिल्स, इसको मैं कैपिटल बी से लिख रहा हूं। इनका जो मेन फंक्शन है रिएक्शंस, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, आप समझते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बॉडी में। आप देखिए कभी कई बार आपने महसूस किया होगा कि बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल या किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी फॉरेन एलिमेंट्स, उसमें बैक्टीरिया वायरस या कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स हो सकता है, उसकी वजह से क्या होता है कई कई बार, या बॉडी में किसी तरीके का कोई पेन हो रहा है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी जो है अपने जो बॉडी का जो हमारा जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देती है, उसको बढ़ाना शुरू कर देती है एकदम से। तो उस टाइम पर जब कोई इन्फेक्शन किसी चीज का हुआ हो रहा था, उस टाइम पर इनकी संख्या जो है बेसोफिल्स की संख्या एकदम से बढ़ जाती है, और थोड़ा सा इनका फैगोसाइटिक नेचर है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करते हैं वो उनको जाकर डिस्ट्रॉय करते हैं, और कुछ बहुत थोड़े से एलिमेंट्स हैं उनको भी ये सिक्रीट करते हैं, जैसे हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो उस टाइम पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया इन्फेक्शन के, खासकर इन्फेक्शन के समय पर, तो उस टाइम पर ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी सिक्रीट करती है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तीसरी बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम मैं यहां पर बना देता हूं, उसी तरीके का एक सेल बनाएंगे। इसकी खासियत यह है कि इसका जो जो न्यूक्लियस है वो मल्टीलोब्ड है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये ग्रैनुल्स दिखा दीजिए आपको उसको, ये ग्रैनुल्स हो गए, ये क्या बन गए हमारे, ये न्यूट्रोफिल्स बन गए। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन के आधार पर ईसोनोफिल्स, बेसोफिल्स और ये न्यूट्रोफिल्स, तो ऐसे होल अगर इनके फंक्शन की बात करें, अगर ऐसे होल इनके फंक्शन की बात करें, बॉडी में जब भी किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है या कोई एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है, वो एंटीजन कोई डेड बैक्टीरिया भी हो सकता है जैसे, या कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स हो सकता है जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, जिसको हमारी बॉडी रिकग्नाइज नहीं करती, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इस तरीके का है कि बॉडी में कभी भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है किसी भी वजह से, वो एक केमिकल भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो फंगस भी हो सकता है, वो प्रोटोजोआ कुछ और भी हो सकता है, तो बॉडी उसको एकदम से, बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकग्नाइज कर लेती है अलग अलग से, अलग अलग तरीके से। तो जब भी बॉडी को ऐसा लगता है कि जो चीज बॉडी के अंदर एंटर हुई इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के पार्ट नहीं है, तो तुरंत डब्ल्यूबीसी में जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका फंक्शन एकदम से शुरू हो जाता है, किसी तरीके का इन्फेक्शन है, किसी तरीके का कोई एलर्जी है, तो उस समय पर इनकी संख्या बढ़ जाती है, और ये उनको क्या करते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके जैसे मैंने आपको बताया जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको ये सेल्स के बाहर मूव कर जाते हैं, और उनका नेचर क्या होता है, फैगोसाइटिक नेचर होता है, फैगो का मतलब तो होता है टू ईट, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको नष्ट करना, इनका ये डब्ल्यूबीसी का। तो ये तो पार्ट हो गया ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरे बचे अग्रैनुलोसाइट्स, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अग्रैनुलोसाइट्स, यानी जिनमें ग्रैनुल्स नहीं, जिन डब्ल्यूबीसी में ग्रैनुल्स नहीं पाए जाते वो अग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। दो तरीके के हम ऑलरेडी चार्ट की सहायता से आप समझ सकते हैं, इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी बड़ी सेल्स हैं, थोड़ी लार्ज सेल्स हैं, इनका जो जो डायमीटर है जो आरबीसी है उनके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। ये मैंने बनाया है आपका, ये मोनो लिम्फोसाइट बनाया है, इसके अंदर ये जो गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसका न्यूक्लियस है, क्या है इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है। ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं तो आप इसको बाहर क्या दिखा सकते हैं, इसमें आप ये साइटोप्लाज्म का दिखा सकते हैं। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई है, एक तो है बी लिम्फोसाइट्स, दूसरे हैं टी लिम्फोसाइट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है,
बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस। थाइमस ग्लैंड है, चेस्ट में पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है? लिम्फोसाइट्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब बॉडी में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है। ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जिसको आप क्लास 12th में इस पर डिटेल्ड चैप्टर है, डिटेल डिस्कशन है, इसको अभी कुछ डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और दे आर द पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। ये दोनों के दोनों सेल्स किसका पार्ट है? इम्यून सिस्टम का। ये सब कैसे होता है इसका डिटेल्स अभी स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्लास 12th में आप जब जाएंगे तो इसको पढ़ाया जाएगा। दूसरे होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी कुछ उसी तरीके के सेल्स हैं, उसके अंदर एक कंपैरेटिवली बहुत लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का अगर साइज कंपेयर करें तो मोनोसाइट्स का साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है इसके मुकाबले। इनका भी फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन भी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का ये एक पार्ट है। कैसे होता है ये क्लास 12th में आप उसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये हमारा हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अब बचता क्या है? प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स की संख्या के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे, मैंने आपको बताया प्लेटलेट्स के नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो लगभग 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में होने चाहिए। अगर ये इससे कम होते हैं तो हमारी बॉडी का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जब किसी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन किसी को हो जाता है कुछ बीमारियों में, तो प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी के साथ नीचे गिर जाती है, खासकर डेंगू। डेंगू लोग बोलते हैं, लेकिन इसका सब जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको लोग बोलते हैं डेंगू, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। बोलने और सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बोलेंगे कुछ दो चार बार तो आपको लगेगा हाँ यही प्रोनाउंसिएशन ठीक है और यही बोलना चाहिए। प्लेटलेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा इरेगुलर शेप होता है इनका। ये क्या है? सारी प्लेटलेट्स है। न्यूक्लियस इसमें भी नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नो न्यूक्लियस। अच्छा प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम कह सकते हैं। खासकर जब इन्फेक्शन किसी तरीके का होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट नहीं कर पाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इसी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है किसी भी फॉरेन इन्वेडर को, जिसमें बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है, उनसे फाइट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं या तो इनको प्लेटलेट्स बढ़ाई जाए किसी तरीके से, मेडिसिन से या जो भी इसका ट्रीटमेंट है, या प्लेटलेट्स उनको कई बार चढ़ाने की नौबत भी आ जाती है। जब कंडीशन थोड़ा सीरियस हो जाती है कई बार तो प्लेटलेट्स चढ़ाई भी जाती हैं अलग से। जैसे अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि कुछ केसेस ऐसे आए थे जिसमें क्या हुआ था कि जो लोग जिनको कोरोना हुआ एक बार और वो कोरोना से बच गए और वो ठीक हो गए। तो ठीक होने का मतलब क्या है कि कोरोना वायरस ने जब हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया तो उस बॉडी को जब इन्फेक्शन हुआ लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट के बाद बच गए, सही सलामत बच गए और उनको कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं केवल उतने ही तक सीमित है लेकिन वो ठीक ठाक हो गए। तो उसका हुआ क्या? देखिए हमारी जब मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूँ, एक बार और रिपीट करता हूँ कि बॉडी में जब भी कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो एक तरीके का उसको हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबॉडीज एक तरह की स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती हैं, इनका स्ट्रक्चर भी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या है कि उस पर्टिकुलर वायरस को के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए उनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन चुकी थी, तो इसलिए उनको इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, वो उसमें पूरी तरीके से स्वस्थ होकर बाहर आ गए। तब आपने पढ़ा होगा, ये न्यूज़पेपर में कई बार आया था और टीवी चैनल्स में भी कई दिनों तक दिखाया गया कि उन लोगों को जो जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है
और वो सही सलामत थे, इसका मतलब वो उनकी बॉडी पूरी तरीके से उस वायरस के अगेंस्ट इम्यून हो चुकी थी। तो डॉक्टर्स की भी जो एक्सपर्ट्स की राय थी वो भी यही थी कि उनकी अगर बॉडी से ब्लड में से प्लेटलेट्स निकाली जाए और वो प्लेटलेट्स किसी इन्फेक्टेड पर्सन को चढ़ाई जाए तो वो हो सकता है ठीक हो जाए, बच जाए। चलिए वो तो खैर बहुत लंबी कहानी है। तो प्लेटलेट्स हमारा क्या है, हमारी बॉडी के डिफ्यूज जो इम्यून सिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा, प्लेटलेट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा काम है, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इस पर भी एक पूरा अलग टॉपिक है, शॉर्ट में बता देता हूं। हमारी बॉडी में जब तक बॉडी के अंदर ब्लड है इट डजंट कोऑग्रेट, वो खून जमता नहीं है हमारी वेन्स में और आर्टरी में जमता नहीं है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है जब एक्सपोज होता है एयर में तो वो खून ब्लड क्लॉट होने लगता है। प्लेटलेट्स वो सेल्स हैं जो क्लॉटिंग में मदद करती हैं। अगर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए तो बॉडी से जो ब्लड किसी भी वजह से बाहर निकल रहा हो, क्लॉटिंग की वजह से, कट की वजह से या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाती है। इसका प्रोसेस क्या है वो एक अलग चीज़ है। तो प्लेटलेट्स जाके वो ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो ये तो पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो हमने ब्लड प्लाज्मा को कवर कर लिया, हमने ब्लड सेल्स की बात कर ली। इसके बाद अब आगे जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप, उसके बारे में भी बात करते हैं।